कितने पैसा निकाल सकते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट है जो अच्छा अच्छा उसको सर ने मना कर दिया था। मैं काफी इंवॉल्व कर दिया
यस मैम, मैम अपना माइक क्रीप करें, मैम अपना माइक क्रीप करें, आपकी आवाज दूर से आ रही है। पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों ने वगैरह देना है या वाइवा क्या उसका है। अगर तो आप दे रहे हैं क्विज एट द एंड ऑफ मिड ऑफ द अगस्त आफ्टर 15 16 17 बहुत ज्यादा। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कहा आप लोग के एक तो स्टूडेंट है ना ऑनलाइन अब कम होना शुरू हो गए, तो अटेंडेंस का इशू ना है बाद में, ये जरा ख्याल रखें। अब एक लेक्चर इसके बाद और रह गया है, और उसके अलावा मैं दूसरा ये पूछ रही थी कि आप लोगों का कब फ्री है कि आप लोग मुझे वाइवा दे दें। आप लोग को मैंने कहा था आप लोग खुद डिसाइड कर लें, क्योंकि फेस टू फेस अगर क्लास होती तो बंदा पूछ लेता है क्लास में। अगर तो आप लोगों ने 15 के बाद देना है, जो कि 16, 17 और फिर मेरे ख्याल में 18, 19 मुहर्रम की दो छुट्टियां हैं, उसके बाद जो लोग रह जाए शायद तो उनके पे 20, 21 तक होगा, 20 तक, और 23 से आप लोग के जो है फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं। 20 मेरे ख्याल में जुम्मा है। अब मुझे ये नहीं पता कि जो कैलेंडर है वो तो 18, 19 बता रहा था कि छुट्टियां हैं मुहर्रम की, 9, 10 मुहर्रम की, अब पता नहीं कब है छुट्टियां। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने वाइवा अगर कोई उससे पहले की डेट्स में दे दें। मैम 15 के बाद ही रखिए, क्योंकि उससे पहले हमारे क्लैशेस ऑलरेडी आ रहे हैं, दो दो तीन तीन सब्जेक्ट्स के, तो फार्मा का भी बीच में क्लैश आएगा तो फिर तो हम बिल्कुल ही मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर आप ये देख लें कि आपको एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल और एंटी वायरल ड्रग्स वो खुद पढ़नी पड़ेंगी, अगर हो सकता है उसका क्विज का टाइम ही ना बचे। मैम आप अभी वाइवा की बात कर रही हैं कि क्विज की बात कर रही हैं? दोनों बात कर रही हूँ। वाइवा चले अगर आप लोग दे दें 16 17 तक वाइवा दे दें, ठीक है, और दो दिन में पॉसिबल नहीं है शायद, वाइवा आपका फिर आगे 20 तक चला जाए। तो मैम आप इस तरह करें कि 16 17 को हाफ स्टूडेंट जितने का जितने बच्चों का हो जाता है उतना उतने का ले लें, 16 17 को, जो रह जाए उनका कहते हैं मुहर्रम की छुट्टियों के बाद ले लें, क्योंकि उससे पहले मैम हमारे क्लैश आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ। मैम फाइनल की डेट कंफर्म नहीं होती है, हमेशा आगे हो जाती है। और मैम फाइनल कभी भी, मैम फाइनल कभी भी एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक नहीं हुआ, हमेशा आगे हो जाता होता है। आपका एकेडमिक कैलेंडर में क्या लिखा हुआ है कब है फाइनल? मैम अभी तक जब वाइवा भी हमें शो है जी, मैम वाइवा की डेट्स भी उससे लेट है, हमारी मेट्स भी उससे लेट हुए हैं थोड़ा। ठीक है, वैसे कैलेंडर में क्या लिखा हुआ है कब है आपका फाइनल स्टार्ट हो रहा है? मैम वैसे प्रोबेबली इतना याद नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें अगस्त के 20+ डेट्स में ही है। अच्छा चलिए ठीक है, वाइवा आपका तब होगा, लेकिन उसमें ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन वाला ये लेक्चर और एक आखिरी एंटी कैंसर ड्रग्स है वो शामिल कर लें, क्योंकि आपका ये जो पेंसिलिन सिफेलोस्पोरिन वाले लेक्चर्स थे ना, ये मैंने थोड़े 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 आप देखें स्लाइड्स, सिर्फ 20 स्लाइड्स 15 स्लाइड्स ऐसे पढ़ाया था, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स थे, वरना ये बहुत पहले खत्म हो चुका होता है। सर का जो लेक्चर था ना, सर अकुरम का, वो मैंने ब्रेक कर दिया था,
थोड़ा थोड़ा करके वो पढ़ाया था ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें बिजी थे एग्जाम्स में, तो आप ये दो लेक्चर फिर शामिल कर लें. आपका 16 को वाइवा होगा और 15 और 14 भी छुट्टियां हैं, ठीक है. 14 अगस्त की है, 15 को भी छुट्टी है, तो 16 अब आपके पास दो दिन वो भी है. अगर आप लोग कहेंगे तो आपकी एक क्लास भी ऐसी रख लेंगे जिसमें रिविजन हो जाएगी. मैं आपको बता दूंगी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. 16-17 में कोशिश करूंगी कि सब का हो जाए, लेकिन इनकेस जिनका नहीं होता तो फिर उनका आगे फिर 20 को होगा या जब छुट्टियां खत्म होंगी मुहर्रम की. और दूसरी बात यह कि आपका एक क्विज होगा जो आफ्टर वाइवा आपका होगा, ठीक है, बिफोर एंड फाइनल और आफ्टर वाइवा, और उसमें फिर एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल और एंटी जो वायरल ड्रग्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है. ये वाला लेक्चर फिर आप लोग वाइवा में कवर कर लेंगे ये वाले, और जो एक पोर्शन रह जाएगा चार लेक्चर वो बनेंगे 4-5, तो वो आपके जो है वो उसमें आ जाएंगे क्विज के अंदर, ठीक है. ओके मैम. मैम हमारा जो सैटरडे को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ, सैटरडे को खत्म हो जाएगा सिलेबस. तो मैम ऑनलाइन ही होगी या उसमें हम कैंपस आएंगे सब? सैटरडे को आपकी चॉइस है. वैसे तो अब ऑन कैंपस क्लासेस कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कैंपस में बहुत कम लोग आते हैं. ओके मैम. आपकी चॉइस है. मैम ये फाइनल है ना कि मैम अब फाइनल है ना कि 16-17 को ही होगा हमारा वाइवा? फाइनल आपका 16-17 को होगा. मैं कोशिश करूंगी 16-17 पूरा हो जाए सारे स्टूडेंट्स ग्रुप, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, डी बैच भी है, ई बैच भी है, वो भी कह रहे हैं कि हमारे 16-17 को लें, बहुत स्टूडेंट्स हैं, तो इस वजह से हो सकता है एक दिन और लग जाए. मैम आप एक स्टूडेंट लिस्ट हमें बना के सेंड कर दें कि वैसे तो किसी टीचर ने नहीं की लेकिन आप कर दें, क्योंकि फिर इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि 16 को इतने बच्चों का और 17 को इतने बच्चों का. अच्छा चलें ठीक है, वो भी कर दूंगी. आपके अपने स्लॉट्स के अंदर होते हैं ना, उसके अलावा दूसरे स्लॉट्स भी ले लें तो फिर ठीक है. मैम आप हमें किधर भेज दें फिर हम आप देख लेते हैं. मैं पहले वो मिस सोमिया से पूछ लूं कि हो सकता है डेशिल कोई बन जाए. यस मैम, वो ना उन्होंने बोला था आज के सर में बीट से वो बात करेंगे और फिर वो वहां से डेट शीट का वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आएंगे, क्योंकि सबका जो है क्लैश आ रहा है. ठीक है, फाइनल्स का भी जरा आप लोग पता रखें ना कि कब हो रहे हैं, कितना अर्सा डिले होंगे, क्योंकि मुझे ये जो अफनान साहब ने तो कहा था 23 से हम फाइनल शुरू कर रहे हैं मंडे से, तो अब अगर 23 से फिर आपके पास दिन कम रह जाएंगे. और ये सुन लें वाइवा के फौरन बाद वो क्विज होगा एक दो दिन के गैप से, तो पढ़ लें आप चीजें. दो दिन का चले आपको टाइम दे देंगे ताकि आप लोग का वो, ठीक है. अब आपका वाइवा अच्छा होना चाहिए, थोड़ी चीजें तो अच्छा पढ़े. पिछले में मुझे कहा कि आप अच्छे होंगे, इतने अच्छे नहीं थे. अच्छा, ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन हमने बहुत जगह लफ्ज पढ़ा था जब लेक्चर्स पढ़ रहे थे, ठीक है. इसमें ड्रग एंड ड्रग इंट्रैक्शन ये है कि अगर दो ड्रग्स किसी पेशेंट, अब आप देखें जो बूढ़े लोग होते हैं, एल्डर जिनकी एज ज्यादा होती है, वो मल्टीपल ड्रग्स ले रहे होते हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी ले रहे होते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी ले रहे हैं, या कोई और मसले उनको वो भी ले रहे हैं, एंटी इंजाइनल भी ले रहे होते हैं, एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स भी ले रहे होते हैं, मल्टीपल ड्रग्स ले रहे होते हैं, तो ड्रग एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है. या तो वो ड्रग जिसके दोनों ड्रग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे को इफेक्ट को या तो सिनर्जाइज कर देंगी, यानी कि एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा या सिनर्जाइज इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या अच्छा इफेक्ट होगा या फिर क्या एंटागोनाइज कर देंगे, अपोजिट एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेंगी, ठीक है. उसके अलावा क्या होता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स, जो एक ड्रग दी है और दूसरी ड्रग उसके साथ दे रहे हैं, तो वो एक दूसरे की फार्माकोकाइनेटिक्स को अफेक्ट करती हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स याद है किसी को क्या चीज है? फार्माकोकाइनेटिक्स है कि उसमें एक नेमोनिक था आदमी, एडमी, ठीक है, ADME, उसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मेटाबॉलिज्म और उसकी एलिमिनेशन को अफेक्ट करेगी, ठीक है. अब इसमें ये फार्माकोकाइनेटिक्स है, और फार्माकोडायनेमिक्स यानी ड्रग्स का अफेक्ट क्या होगा, उसमें जो है चीज सारी याद होती हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एडिक्टिव इफेक्ट, एंटागोनिज्म इफेक्ट. तो बेसिकली ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स यानी बॉडी का जो इफेक्ट है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, उन सबको ये अगर दो तीन ड्रग्स इकट्ठी दे दी हैं तो ये मल्टीपल ड्रग्स एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं.
drug interaction, it is the modification of the effect of one drug, the object drug, by the prior or concomitant administration of another. जो एक ड्रग जो आप दे रहे हैं उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ड्रग, जिसकी मॉडिफिकेशन हो रही है, जिसके अंदर चेंज आ रही है, या तो उसके फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसके एलिमिनेशन में इफेक्ट हो रहा है, या फिर उसका कोई सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है दूसरी ड्रग के साथ, या उसका एडिटिव इफेक्ट या कुछ भी हो सकता है दूसरी ड्रग के साथ. तो ऐसी ड्रग जो मॉडिफाई कर रही है, जिसके अंदर चेंजेस हो रही है, वेदर वो चेंजेस डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, उस ड्रग को हम ऑब्जेक्ट ड्रग कहेंगे. और जो ड्रग दूसरी ड्रग के अंदर चेंजेस कर रही है उसको हम प्रेसिपिटेंट ड्रग कहते हैं. ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेंट ड्रग है, या तो ये ऑब्जेक्ट ड्रग के साथ मिला के दे रहे हैं, या प्रेसिपिटेंट ड्रग पहले दी थी और अब ऑब्जेक्ट ड्रग दे रहे हैं. ये सारे वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ड्रग इंट्रैक्शन हो सकती है. यानी मल्टीपल प्रिस्क्राइबर्स, मल्टीपल ड्रग्स जो है वो दे दिए किसी को, जब किसी फिजिशियन ने बहुत सारी ड्रग्स दे दी हैं. अब जब भी ड्रग को कोई प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसका मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, उसके एडवर्स इफेक्ट पता होने चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि कोई और ड्रग साथ देंगे तो उसका क्या इसको इफेक्ट बॉडी पर क्या होगा. तो अगर कोई बहुत सारी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है तो फिर चांसेस होते हैं कि ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन हो. मल्टीपल फार्मेसीज, बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में आ गई हैं. जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप ये होगा कि जीन्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है. कुछ लोग होते हैं वो एक ड्रग हमने दी, वो ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज होगी, उनके अंदर से जल्दी इलिमिनेट हो जाएगी. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वही ड्रग हमने दी है लेकिन उनकी जेनेटिकली वो डिफरेंट है दूसरे लोगों से, तो इस वजह से वो ड्रग जो है वहां पर मेटाबोलाइज नहीं होगी, वो एलिमिनेट बॉडी से जल्दी नहीं होगी, वो वहीं पर रहेगी ड्रग. ठीक है, अगर आपकी देखें ड्रग जो है वो जल्दी एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है, जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है ड्रग, क्विकली चली जाती है वो, तो ड्रग का क्या है कि वो ब्लड के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एब्जॉर्प्शन, उसका ड्रग का इफेक्ट जल्दी आ जाएगा, ज्यादा अच्छा इफेक्टिव ड्रग होगी. अगर ड्रग पहले ही जो है वो मेटाबोलाइज हो, स्लोली स्लोली मेटाबोलाइज हो रही है ड्रग जो है वो, एब्जॉर्प्शन उसकी स्लोली हो रही है ब्लड के अंदर, तो वो वहीं एकोमुलेट रहेगी, वो टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा. तो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट, एक ही ड्रग है लेकिन मुख्तलिफ लोगों में उसके मुख्तलिफ इफेक्ट हैं. किसी में उसका टॉक्सिक इफेक्ट है क्योंकि वो एकोमुलेट हो रही है, और किसी के अंदर वो जल्दी जो है एब्जॉर्ब हो रही है, यानी ब्लड में जा रही है, और जो ब्लड में जा रही है तो वो जल्दी बॉडी में जाकर अपना इफेक्ट दिखा रही है. तो इसके अलावा ये कि हिपेटिक स्पेसिफिक पॉपुलेशन लाइक एल्डरली, ओबेस, क्रिटिकली इल पेशेंट्स. अब डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं. जो एल्डरली हैं, जो ओबेस पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ऑर्थ्रा ड्रग इफेक्ट करेगी, दूसरे लोगों में उनकी ड्रग की इफेक्ट ऑर्थ्रा होगा. ठीक है, मैंने जैसे बताया कि बूढ़े लोग बहुत सारी ड्रग्स ले लेते हैं, तो वो मल्टीपल ड्रग्स लेने की वजह से ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन के चांसेस, रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है. स्पेसिफिक इलनेस जैसे हिपेटिक डिजीजेस और रेनल डिसफंक्शन है. यानी कि अगर आपकी हिपेटिक कोई लिवर डिसफंक्शन है तो क्या होगा कि प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाकर ड्रग बाइंड करती है, आपको पता है. ठीक है, वो स्टोरेज रहती है, जब जरूरत होती है वो ड्रग रिलीज होती है, अब्जॉर्ब होती है, ब्लड के अंदर जाती है. ठीक है, अब जब आपकी हिपेटिक डिजीज है, कोई लिवर डिसऑर्डर है, तो प्लाज्मा क्लियरेंस जो होगी ड्रग की वो रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, ड्रग जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एलिमिनेशन अफेक्ट करेगी. जो भी पेशेंट होता है लिवर डिसफंक्शन है, अगर लिवर के जो, आपको पता है कि लिवर के अंदर सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, साइटोक्रोम P450 एक नेटवर्क है पूरा एंजाइम्स का, जो कि किसी जो ड्रग देंगे उसको मेटाबोलाइज करेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा. तो अगर ड्रग जो है वो, अगर लिवर पेशेंट है तो वो सही तरह काम नहीं कर पाएगा, उसको मेटाबॉलिज्म ड्रग का नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से उसकी ड्रग की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, उसकी एलिमिनेशन नहीं होगी. इसी तरह नैरोथेरेप्यूटिक इंडेक्स अगर ड्रग का है, कुछ ड्रग्स होती हैं जितना ज्यादा थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज्यादा होता है उतनी ज्यादा ड्रग सेफ होती है.
नैरो थेरापूटिक इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर हमने एक ड्रग की डोज दे दी है और उसको थोड़ा सा कम या ज्यादा किया तो वो टॉक्सिक हो जाएगी ड्रग। तो अगर नैरो थेरापूटिक इंडेक्स ड्रग्स हैं वो भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन कर जाए। इसमें एग्जाम्पल दी हुई की सारी वो ड्रग्स हैं जिनका नैरो थेरापूटिक इंडेक्स है, यानी सेफ ड्रग्स नहीं है। इनमें डिजॉक्सिन, इंसुलिन, लिथियम, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड वारफिन आ जाती है। ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है कि खराब हो सकता है, उसका ड्रग दिया है उसकी डिजीज़ की ट्रीटमेंट की वजह से वो प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकेगी डिजीज़ को। टॉक्सिसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। उसके अलावा बेनिफिशियल इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल दो ड्रग्स दिए हैं तो उनके बेनिफिशियल इफेक्ट भी हो सकते हैं और यूजलेस इफेक्ट या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, उसकी क्या होगी, पोटेंशिएशन ड्रग की ज्यादा हो सकती है, ड्रग जो है उसकी एडिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ड्रग जो है वो क्या हो सकती है, एंटागोनिज्म इफेक्ट हो सकते हैं। केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल आईवी इनकम्पैटिबिलिटी इन फ्लूड और सिरिंजेस मिक्सचर, यानी कि इसका मतलब ये कि दो ड्रग्स अगर हमने मिक्स करके दे दी हैं या ड्रग को किसी कंटेनर में रख दिया तो इनकम्पैटिबल हो जाएगी, यानी कि वो ड्रग जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो सकती है, वो ड्रग जो है वो सॉल्युबल नहीं होगी दूसरी ड्रग में। ठीक है, तो ये इनकम्पैटिबिलिटी होगी। ज्यादातर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी तब देखने को मिलती है जब डोज बन रही होती है, ड्रग बन रही होती है। तो बेसिकली इनकम्पैटिबिलिटी किसी कंटेनर की वजह से भी हो सकती है कि ड्रग को उसमें डाल दिया तो वो प्रेसिपिटेट होगी या नीचे इनसॉल्युबल रहेगी नीचे, या कोई गैस बन गई उसके अंदर, कोई इस तरह का वो हो गया, सेपरेट हो गई ड्रग्स। ठीक है, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज जो पूछने वाली हो? अच्छा, इसमें ये जो बताया हुआ है अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो ड्रग का इफेक्ट सेल्स, टिश्यू, सिस्टम, ऑर्गन्स पर अनएक्सपेक्टेडली होगा। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं या ज्यादा इफेक्टिव होगी है या उसका जो है वो एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हो गए। अब ये फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स बताया हुआ है। डायनेमिक्स होता है कि ड्रग का इफेक्ट बॉडी पर क्या है, और फार्माकोकाइनेटिक्स ये होता है कि बॉडी का इफेक्ट क्या है ड्रग के ऊपर। ठीक है, डायनेमिक्स, ठीक है, इसे याद रखना है, ड्रग, डी फॉर डायनेमिक्स, डी फॉर ड्रग। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन एन अदर ड्रग इन काइनेटिक्स। इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, अब यहाँ पर ये मतलब है कि दो तीन ड्रग्स हमने दे दी या मल्टीपल ड्रग्स दे दिए और वो ड्रग्स आपस में जो बॉडी के अंदर इफेक्ट थे ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, उन सबको एक ड्रग दूसरी ड्रग के अफेक्ट करेगी। फार्माकोडायनेमिक्स आर रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द इंटरेक्टिंग ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स है, एंटागोनाइजिंग इफेक्ट्स है, एल्टर सेलुलर ट्रांसपोर्ट इफेक्ट्स ऑन द रिसेप्टर साइट, यानी अगर दो ड्रग्स हमने इकट्ठी दे दी हैं, ठीक है, अब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ एक जिसकी बाइंडिंग ज्यादा होगी वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड रहेगी और दूसरी ने भी बाइंड करना था लेकिन अब उसके पास जगह नहीं रहेगी कि वो भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड करेगी, तो वो कोशिश करेगी कि एक ड्रग दूसरी ड्रग को रिप्लेस करने की कोशिश और खुद जाकर बाइंड करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स जब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन के अंदर अफेक्ट आ जाएगा ड्रग के, तो उसकी वजह से पीएच डिस्टर्ब हो जाती है, बैक्टीरियल फ्लोरा जो हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन होती है उसमें बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि अच्छा इफेक्ट होता है जिनका, लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो कुछ एंटीबायोटिक्स उन बैक्टीरिया की किलिंग करने लग जाती है, जब वो किल हो जाते हैं तो क्या होगा कि ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होती सही तरह से, वो बॉडी में रहना शुरू कर देती है। फॉर्मेशन ऑफ ड्रग चिलेट्स और कॉम्प्लेक्सेस, ऐसी ड्रग्स तो ले ली है या फूड ले लिया है, फूड जो है वो भी तो ड्रग इंटरेक्शन करती है ना, ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन होता है, ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन होता है, ड्रग विद सम केमिकल इंटरेक्शन होता है, और ड्रग जो है वो लैब टेस्ट को भी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दवाई ले ली है और फिर आपने जो एंटी हाइपरटेंसिव जैसे ड्रग ले ली है और फिर आपने बीपी टेस्ट चेक कर दिया तो बीपी तो लो आएगा,
इसी तरह जो है लिपिड प्रोफाइल जब हम चेक करते हैं तो सुबह के टाइम करते हैं, ज्यादा अच्छे लिपिड प्रोफाइल्स आते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करने होते हैं। तो जब आप ड्रग ले लेते हैं तो ड्रग का लैब टेस्ट के ऊपर भी इफेक्ट होता है। इसी तरह ड्रग इंड्यूस्ड म्यूकोजल डैमेज अल्टर द जीआईटी मोर्टेलिटी। अब ये सारी चीजें आगे बताएंगे क्या है। इसमें फॉर एग्जाम्पल अल्टर द पीएच, द नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज मोर लिपिड सॉल्युबल एंड मोर रेडिली अब्सॉर्ब फ्रॉम जीआईटी देन द आयोनाइज्ड फॉर्म डोज डस। इसमें ये बताया हुआ है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, किसी भी जगह की जो अच्छा नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है ड्रग्स और आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, आयोनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल होती है। उसकी वजह ये होती है कि आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होती है कि लिपिड सॉल्युबल है, यानी लिपिड लविंग है, लिपिड लाइपोफिलिक है, ठीक है। जितनी हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर लिपिड्स होते हैं और वाटर पोर चैनल्स होते हैं, लेकिन लिपिड ज्यादा होते हैं, ठीक है। लाइपोप्रोटीन बाइंडिंग साइट्स होती है हमारे सेल जो होती है सेल मेम्ब्रेन। तो आसानी से जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल है वो आसानी से लिपिड सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, अंदर आ जाएगी सेल के, अपना इफेक्ट दिखाने के लिए अंदर बॉडी में एंटर हो जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। तो नॉन आयोनाइज फॉर्म ऑफ अ ड्रग यानी जो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म है इज मोर लिपिड सॉल्युबल एंड मोर रेडिली अब्सॉर्ब फ्रॉम जीआईटी देन द आयोनाइज्ड फॉर्म। आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है वो वाटर लविंग होती है, वाटर हाइड्रोफिलिक होती है। तो लिपिड लाइपोफिलिक जो है वो ड्रग्स आसानी से अब्सॉर्ब हो जाती है। अच्छा अगर आपको याद हो तो एग्जांपल एक एंट एसिड्स की है। एंट एसिड्स जो है वो क्या करती है, कीटोकोनाजोल एंटी फंगल है जो कि ज्यादातर हम देते हैं ये टेबलेट या डिजोल्व करके, या कीटोकोनाजोल जो है वो ऑइंटमेंट के तौर पर भी होती है। अच्छा अब इसमें एंट एसिड क्या करता है, वो इस टेबलेट की डिसोल्यूशन जो है उसको कीटोकोनाजोल की को अफेक्ट करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंट एसिड किस ड्रग को अफेक्ट कर रहा है, उसकी किस, तो कीटोकोनाजोल को, ठीक है। इसी तरह हिस्टामिन एंटागोनिस्ट जो है वो भी कीटोकोनाजोल को की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स दी गए हैं विद कीटोकोनाजोल, ठीक है, उसमें एंट एसिड और फिर H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। देयरफॉर द ड्रग्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 2 hours इन द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ। कीटोकोनाजोल के साथ ख्याल रखना चाहिए कि दोनों ड्रग्स एडमिनिस्टर को कमिटेंटली नहीं करनी चाहिए, इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा फिर एल्टर इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा 40% और मोर ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डिजॉक्सिन डोज इज मेटाबोलाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल फ्लोरा। जब आप एंडवोई बाद डिजॉक्सिन जो है उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प कर रही थी, डिजॉक्सिन वैसे इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत थोड़ा है, इसकी डोज को मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है। डिजॉक्सिन जब देंगे तो एंटीबायोटिक जो इंटेस्टाइन में जो फ्लोरा था नॉर्मल फ्लोरा उसको अफेक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती थी डिजॉक्सिन की। एंटीबायोटिक्स किल अ लार्ज नंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन, इंक्रीज डिजॉक्सिन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज टॉक्सिसिटी। ज्यादा देर वो बॉडी में रहेगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है, मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेशन नहीं होती उसकी। फिर इसके बाद बताया हुआ है कॉम्प्लेक्सेशन और फिलेशन। एग्जाम्पल दीजिए, ये पहले भी पढ़ी है, टेट्रासाइक्लिन के साथ जब कैल्शियम दे दें या आयरन दे दें तो चिलेट्स बन जाते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, ठीक। उसके बाद अनअब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आयरन के साथ, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि जो अनअब्जॉर्बेबल होते हैं, ये चिलेट्स कहते हैं। एंट एसिड एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ देंगे, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। एंट एसिड्स जो है जिसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल्स हैं, ये एंट एसिड्स हैं। एंट एसिड्स का कोई फंक्शन याद है आपको कि उसने जीआईटी में क्या किया था? एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो एंट एसिड क्या करता है, किसी को याद है? एंट एसिड न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, एसिडिक सिक्रीशंस को नहीं करता बल्कि जो सिक्रीशंस आ रही होती है उनको न्यूट्रलाइज कर देता है एंट एसिड्स।
और इसमें रीबाउंड होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एंटासिड्स को जब आप नहीं लेंगे तो दोबारा एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो एंट एसिड जो है उसकी एग्जांपल है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिकली वीक बेसिस हैं जो कि हाइड्रोलाइज्ड कर देती हैं, जो एसिड प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है हाइपर एसिडिटी में। तो ये एंट एसिड क्या करते हैं, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ ले लिया है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ी है, लेवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर। तो जो एंट एसिड है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ नहीं देना। उसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड म्यूकोसल डैमेज, एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट्स, फॉर एग्जांपल विनक्रिस्टाइन एंड प्रोकार्बाजीन, ये दोनों जो है एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोफॉस्फोमाइड्स, ये सारी जो हैं तीनों ये एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ सेवरल ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल डिजॉक्सिन। तो इनको एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स को डिजॉक्सिन के साथ ही देना। अगर आपको याद हो तो साइक्लोफॉस्फोमाइड जो है ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग भी है, ठीक है। इसका एक एमसीक्यू भी आया था कि कौन सी एल्काइलेटिंग एजेंट ड्रग है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, ये जो है ना डीएनए की डबलिंग को अफेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखती है, ताकि ट्रांसप्लांटेशन में साइक्लोफॉस्फोमाइड्स देते हैं, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फोमाइड्स, ये दोनों देते हैं। तो बहरहाल इसको डिजॉक्सिन के साथ नहीं देना। फिर उसके बाद है एल्टर्ड मोर्टेलिटी, मीटोक्लोप्रामाइड एंटीमेटिक ड्रग, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द स्टमक एम्प्टिंग टाइम, इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ द साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। ये दो ड्रग है, ये साइक्लोस्पोरिन की जो है क्या करती है कि एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है। उसके बाद डिस्प्लेस प्रोटीन बाइंडिंग्स, वही प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन ड्रग्स होंगी। इट डिपेंड्स ऑन द एफिनिटी ऑफ द ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, द मोस्ट लाइकली बाउंड ड्रग्स इज कैपेबल टू डिस्प्लेस अदर, ठीक है। वो जाकर अगर एक देखें ड्रग दी है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाकर फॉरन बाइंड कर दी और दूसरी को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो जाकर बाइंड करे, ठीक है, उसको वो डिस्प्लेस रखेगी, फ्री रखेगी। द फ्री ड्रग इज इंक्रीज बाय डिस्प्लेसमेंट बाय अनदर ड्रग विद हायर एफिनिटी, ठीक है, जिसकी हायर एफिनिटी है वो दूसरी को डिस्प्लेस कर देगी। अब जैसे एक कमरा है उसमें से कुछ लोग जो है वो ताकतवर है वो अंदर आकर बैठ जाएंगे, कुछ जो है वो नहीं आएंगे तो वो जगह खत्म हो जाएगी और वो बाहर ही रह जाएंगे। तो इसी तरह प्लाज्मा प्रोटीन होती है कि जो लोग जो ड्रग्स एफिनिटी ज्यादा होगी वो जल्दी बाइंड कर जाएगा। फिनोटाइन इज अ हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन 90%, टॉलब्यूटामाइड 96% एंड वॉरफिन 99%। ये टॉलब्यूटामाइड जो है ये डायबिटिक पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसीमिक टाइप 2 डायबिटीज में देते हैं। अच्छा, ड्रग्स दैट डिस्प्लेस दीज एजेंट्स आर, अब ये जो एस्प्रिन, सल्फोनामाइड्स, फिनाइल बेंजोन, ये सारी ड्रग्स हैं दैट डिस्प्लेस दीज एजेंट्स। अल्टर मेटाबॉलिज्म, द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द अदर इज वेल डॉक्यूमेंटेड। अच्छा, जैसे लिवर जो है वो क्या है कि एंजाइम का पूरा एक सिस्टम है उसके ऊपर मेटाबोलाइज करने के लिए। अब हमने दो ड्रग्स दे दी हैं, एक ड्रग जो होगी वो इंड्यूसर के तौर पर यूज हो सकती है, एंजाइम इंड्यूसर, और दूसरी ड्रग जो है वो एंजाइम को ड्रग की वो नहीं होने देगी, इनहिबिटर होगी। एक इंड्यूसर होगी, एक इनहिबिटर होगी। इंड्यूसर क्या करेगी कि जो एंजाइम है उसको मेटाबॉलिक जो एंजाइम है लिवर के जो मेटाबोलाइज करेंगे ड्रग को उनको उत्साहित कि मेटाबोलाइज करो, इनहिबिटर इनहिबिट करेंगे और वहां ड्रग रहना चाहेगी। अच्छा, साइटोक्रोम P4 फैमिली इज द मेजर मेटाबोलाइज्ड एंजाइम इन फेज वन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आपको पता है कि ड्रग जो है उसके दो फेजेस होते हैं एलिमिनेशन के, फेज वन फेज टू। फेज वन में वो एलिमिनेट करती है, लेकिन अगर रह जाए तो फेज टू होता है उसमें वो पूरी एलिमिनेट हो जाती है। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर्स कैन इन्वॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इसमें एग्जाम्पल दोनों दी हुई एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम इनहिबिटर्स की। किसी को कोई क्वेश्चन है?
नो मैम। अच्छा इंसाइम आप लोग ना वाइवा के लिए लेक्चर्स ही पढ़ लें, लेक्चर्स ही सुन लें, वो भी अच्छा होगा क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है जो पूछा है वही उसी से मिलता जुलता वाइवा हो जाएगा, छोटा सा वाइवा होगा, ज्यादा लोग हैं, जल्दी जल्दी दें, फारिग हुए। अच्छा एंजाइम इंडक्शन क्या है? अ ड्रग में इंड्यूस द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ अनदर ड्रग और इवन इटसेल्फ। ड्रग अपने आप को कहेगी कि मैं मेटाबोलाइज हो जाऊँ तो भी वो एंजाइम को कहेगी, एंजाइम इंड्यूसर के तौर पर यूज होगी, या जो उसके साथ दूसरी ड्रग दी है उसको हेल्प आउट करेगी कि उसको इंड्यूस कर दे। जैसे कार्बामाज़ेपीन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इंक्रीजेस इट्स ऑन मेटाबॉलिज्म। ये कार्बामाज़ेपीन जो है ये अपनी मेटाबॉलिज्म चाहती है, ये अपना इसलिए इंड्यूसर के तौर पर एक्ट करिए, या तो वो अपने आप को मेटाबोलाइज करवाना चाह रही है, दूसरी ड्रग जो उसके साथ दे दी उसको मेटाबोलाइज करवाना चाह रही है। Phenytoin increase hepatic metabolism of theophylline leading to the decrease its levels. Theophylline की metabolism जल्दी होगी, जल्दी elimination होगी, उसके level कम होंगे body में, reduces its action and vice versa. अच्छा NB का मतलब होता है important note. Enzyme induction involves protein synthesis. Therefore, it needs time up to 3 weeks to reach a maximal effect. जब भी enzyme induce करवाते हैं तो क्या होता है कि कुछ आरएनए इनकोडेड जीन्स होती हैं वहां पर, ठीक है, आरएनए कोडेड इन जीन्स जो है वो क्या कहती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। तो ये कह रहा है कि एंजाइम इंडक्शन इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस, जब एंजाइम इंडक्शन यानी जो लिवर का नेटवर्क है पूरा एंजाइम्स का, जब वो इंडक्शन करवाता है किसी ड्रग की, उसको मेटाबोलाइज करता है, तो वहां पर क्या है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है। तो देयरफॉर इट नीड्स टाइम, तो इस पूरे प्रोसीजर के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, 3 weeks टू रीच अ मैक्सिमल इफेक्ट, जिसमें सबसे ज्यादा उसकी मेटाबॉलिज्म कर देते हैं। एंजाइम इनहिबिशन इट इज द डिक्रीज ऑफ द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बाय अनदर वन। अब दो ड्रग्स आपने दिए हैं, अब एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, यानी जाकर एक ड्रग ने बाइंड होना था वहां पर, जब दो ड्रग्स दे दी तो हो सकता है एक्टिव साइट जहां पर जाकर किसी और ने बाइंड होना था तो ऐसी ड्रग बाइंड कर जाएगी कि वो इनहिबिट कर देगी और दूसरी ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं होने देगी। इट इज द डिक्रीज ऑफ द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बाय अनदर वन, दिस विल लीड टू द इंक्रीज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। जाहिर है जो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और वहां पर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी उस ड्रग की। इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम मे बी ड्यू टू द कंपिटिशन और इट्स ऑन इट्स बाइंडिंग साइट, सो द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज शॉर्ट, मे बी विद इन 24 आवर्स। अब जो एक ड्रग इनहिबिट हो गया है उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही दूसरी ड्रग की वजह से, तो दोनों में कंपिटिशन हुआ था कि कौन पहले जाकर एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा। जिसने बाइंड होना था वो बाइंड नहीं हुई, दूसरी बाइंड होकर उसके इफेक्ट, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। व्हेन एन एंजाइम इंड्यूसर फॉर एग्जाम्पल कार्बामाज़ेपीन इज एडमिनिस्टर्ड विद एन इनहिबिटर, तो क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ द इनहिबिटर विल बी प्रीडोमिनेंट। अगर एक इंड्यूसर है और दूसरी इनहिबिटर है, दोनों दे दिए हैं, तो इंड्यूसर का इफेक्ट नहीं होगा, इनहिबिटर का होगा। ये वाइवा में पूछ सकते हैं कि अगर दो ड्रग्स दे दी हैं तो क्या किसका इफेक्ट ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कार्बामाज़ेपीन दे दिया है तो उसका वेरापामाइल का इफेक्ट ज्यादा होगा या उसका होगा, तो फिर आपने बताया कि जो इंड्यूसर होगी उसका इफेक्ट नहीं रहेगा उस वक्त। अच्छा एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ द एसिटामाज़ोल और टेफेनाडीन। ये ड्रग्स हैं एसिटामाज़ोल और टेफेनाडीन, इनके इफेक्ट को जो है वो एरिथ्रोमाइसिन, जो एरिथ्रोमाइसिन भी एक आपने पढ़ी है अभी रिसेंटली, एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड है, ठीक है, ये आपसे पूछेंगे एरिथ्रोमाइसिन का मैक्रोलाइड्स का, ये उसकी एग्जाम्पल थी क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये ए ग्रुप के अंदर आती है जो कि मैक्रोलाइड है। तो ये जो है ये एसिटामाज़ोल और टर्फेनाडीन दोनों ड्रग्स को जो है उनकी इनहिबिट करती है मेटाबॉलिज्म को, इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगी, और ये दोनों जो है ये दोनों ड्रग्स हैं एंटी हिस्टेमिक या फिर एंटी एलर्जिक ड्रग्स है, ठीक है, इंक्रीज द लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियोटॉक्सिसिटी। ड्रग इंटरेक्शन ऑनसेट ऑफ ड्रग इंटरेक्शन इट मे बी सेकेंड्स अप टू वीक्स। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एंजाइम इंडक्शन इट नीड्स वीक्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, व्हाइल इनहिबिशन ऑकर्स रैपिडली।
जो प्रोसेस इनहिबिशन वाला है वो जल्दी हो जाता है, एंजाइम इंडक्शन वाला देर से होता है क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही होती है तो वो टाइम लगता है। रेनल एक्सक्रीशन यानी किडनीज के थ्रू जो होगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जिसको पी ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, जिसके साथ ड्रग को बाइंड करते हैं और फिर वो यूरिन में निकल जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, किडनीज के अंदर होती है पी प्रोटीन। तो क्या होगा कि व्हेन अ ड्रग हैज अ कॉम्पिटेटिव रिएक्टिविटी टू द प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अनदर ड्रग, दिस विल रिड्यूस सच, वही वाली बात कि जो ड्रग बाइंड कर जाएगी वो जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी, जो ड्रग नहीं बाइंड करेगी वो नहीं एलिमिनेट होगी। और दो ड्रग्स या मल्टीपल ड्रग्स दे रहे हैं तो उनमें से कुछ बाइंड करेंगी कुछ नहीं करेंगी, या हो सकता है अगर एक ड्रग ने फॉर एग्जाम्पल 90% बाइंड करना था तो अब क्योंकि दूसरी ड्रग भी वहां पर बाइंड नहीं हुई तो वो इतनी ज्यादा नहीं बाइंड कर सकेगी, थोड़ी सी बाइंड कर जाएगी तो उसका लेवल जो होगा तब भी इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी के अंदर, जब उसे एलिमिनेट होना चाहिए था तो वो एलिमिनेट नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेनिसिट डिक्रीज ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट भी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स है तो दोनों ड्रग्स जब साथ दे देंगे तो मेथोट्रेक्सेट जो है वो बॉडी के अंदर रहना शुरू हो जाएगी, ये खुद जाकर बाइंड कर जाती है और मेथोट्रेक्सेट को बाइंड नहीं करने दे रही प्रोटीन्स के साथ। वो प्रोटीन्स कौन से हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। पैसिव ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ ड्रग ऑकर्स इन द ट्यूबुल्स बाय पैसिव डिफ्यूजन व्हिच इज रेगुलेटेड बाय कंसंट्रेशन एंड लिक्विड सॉल्युबिलिटी। आयनाइज्ड ड्रग्स आर रिजॉर्ब्ड लोअर देन नॉन आयनाइज्ड, लिपिड लविंग ड्रग्स हमेशा जो है ज्यादातर लिपिड लविंग ड्रग्स होती है, यानी जो कि सेल्स के अंदर जाकर अपना इफेक्ट दिखाएंगी, ठीक है, वो ब्लड से सेल्स के अंदर क्रॉस करेंगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं और ड्रग की जो अब्सॉर्प्शन है सेल्स के अंदर जाना जो है उसका एंट्री इनटू द सेल, वो एक तो डिपेंड करता है उसकी नेचर पर कि वो आयनाइज्ड है नॉन आयनाइज्ड है, उसके अलावा सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको याद रहे तो एक जो पहली आपने स्लाइड्स में पढ़ा था शुरू में जब फार्माकोलॉजी शुरू की होगी तो एक फार्मूला होता है, ठीक है, उसमें ड्रग जो है वो कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही होती है, उसका एक कांस्टेंट होता है और सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रही होती है, कोफिशिएंट वाली बात थी वो, तो हर सरफेस का अपना एक कोफिशिएंट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, उस पर भी ड्रग डिपेंड करती है क्रॉस करने के लिए मेम्ब्रेन को, रेट ऑफ डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो चीजें आपने पढ़ी हो तो वो ये वही बात कह रहे हैं। आयोनाइज ड्रग्स कौन सी हैं, जो कि लिपिड लविंग ड्रग्स हैं, लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं, आर रीअब्सॉर्ब लोअर देन नॉन आयोनाइज्ड वंस, फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्ब, ये इन्होंने बताया आयोनाइज्ड, अच्छा नॉन आयोनाइज्ड हैं जो लिपिड लविंग ड्रग्स हैं, लाइपोफिलिक ड्रग्स आयोनाइज्ड नहीं होती, नॉन आयोनाइज्ड होती है। अब ये बता रहे हैं कि आयोनाइज्ड ड्रग्स होंगी आर रीअब्सॉर्ब लोअर, ठीक है, वही बात कि नॉन आयोनाइज ज्यादा करेंगी और आयोनाइज कम करेंगे। एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट इंक्रीज लिथियम क्लियरेंस एंड डिक्रीज इट्स एक्शन, एंड एसिड्स इंक्रीज सैलिसाइलेट्स क्लियरेंस एंड डिक्रीज इट्स एक्शन, यानी एंट एसिड्स भी हमने दे दिए साथ सैलिसाइलेट्स भी दे दिए, तो अब जो इंक्रीज सैलिसाइलेट्स क्लियरेंस एंड डिक्रीज इट्स एक्शन, इसके एक्शन को अफेक्ट कर रही है एंट एसिड। ये बताया हुआ डायनेमिक्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक्स पढ़े थे, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब फार्माकोडायनेमिक्स ये कि इट मींस अल्टरेशन ऑफ द ड्रग एक्शन बाय सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, उसके एंटागोनाइजिंग इफेक्ट। इसमें बताया हुआ जैसे प्रोपेनाडोल और विरापामाइन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एडिटिव इफेक्ट है। एडिटिव इफेक्ट क्या है, 1+1=2, यानी एक ड्रग भी उसका इफेक्ट अगर 1 है दूसरी का भी 1 है मिलके 2 बन जाएगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या है कि 2 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो जब कॉम्बिनेशन में देंगे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो गया। और पोटेंशिएशन इफेक्ट ये कि एक ड्रग है उसका इफेक्ट 1 है और दूसरी ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है, ना वो टॉक्सिक है ना वो यूजफुल है, लेकिन जब वो उसको दूसरी ड्रग के साथ देंगे 1 वाली ड्रग के साथ जिसका इफेक्ट 1 था, तो उसने 1 वाली ड्रग को और अच्छा कर दिया तो उसका इफेक्ट 2 हो गया। एंटागोनिज्म ये है कि दोनों ड्रग्स ऑपोजिट इफेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे के। एडवर्स इंटरेक्शन मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, डोज रिलेटेड इवेंट्स मे बी मैनेज्ड बाय चेंजिंग द डोज ऑफ द इफेक्टेड ड्रग। फॉर एग्जांपल मीकोनाजोल जो कि एंटी फंगल है, ओरल जेल
causes an increase in bleeding time. अच्छा वॉरफिन जो है वो हेमरेजेस करती है, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा करती है वॉरफिन, ठीक है, जब ब्रूज वगैरह ज्यादा बनाती है, ब्रूजिंग करती है, ब्लीड ज्यादा करवाती है. अब इसको मीकोनाजोल के साथ हमने मिला के दे दिया, ठीक है, तो फिर हमें ख्याल रखना चाहिए कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से हम वॉरफिन की डोज को कम कर देंगे. तो ये मैनेजमेंट है कि अगर एक ड्रग है उसका कोई साइड इफेक्ट है और दूसरी ड्रग उसके इनहेंस कर रही है साइड इफेक्ट को, तो हमें चाहिए कि उस ड्रग को थोड़ा कर दें उसकी डोज को. डोज मैनेजमेंट हो रही है बेसिकली. वह मीकोनाजोल जो एक एंटी फंगल है, ओरल जेल है, cause an increase in bleeding time of warfarin, the reducing the warfarin dose will bring the bleeding time back into range and reduce the risk of hemorrhages. Bleeding ko kam kar dega. Ye online bachon ko baat samajh aayi hai students ko? Yes ma'am. Koi explain karega mujhe baat dobara? आपका क्या नाम है निम्रा? निम्रा आप बताओ क्या बात है. कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेमरेजेस. ये बात ये थी कि अगर दो ड्रग्स मिलाकर दे रहे हैं तो जो एक ड्रग था उसका साइड इफेक्ट को और ज्यादा मजीद बढ़ा रही थी. तो हम जिस ड्रग को मिला के दे रहे हैं, जैसे वॉरफिन और मीकोनाजोल दोनों को मिला के दे रहे हैं, तो वॉरफिन की डोज को हम कम कर देंगे क्योंकि मीकोनाजोल उसके साइड इफेक्ट को बढ़ाती है, इनहांस कर देती है. आप लोग ना ऑनलाइन मेरे ख्याल में इतना अच्छा शायद समझ नहीं आता, अगर आप लोग फेस टू फेस बैठ के उसी वक्त बंदा कोशिश करे याद भी करता रहे, साथ साथ देखता रहे स्लाइड्स. अब जाकर आप लोग पढ़े तो आपको याद हो जाओ. ऑनलाइन में थोड़ा सा ये मसला है कि स्टूडेंट सुनना मुश्किल होता है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू रीटाइट्रेट द डोज ऑफ वॉरफिन. रीटाइट्रेट यानी कि दोबारा वो इस डोज मैनेजमेंट उस पर गौर करें. रीटाइट्रेट द डोज ऑफ वॉरफिन व्हेन द कोर्स ऑफ मीकोनाजोल इज कम्प्लीटेड. हो सकता है जब मीकोनाजोल आपने दे दी, खत्म हो गया उसका कोर्स, तो फिर वॉरफिन की डोज को हम दोबारा से कंसिडर करेंगे कि दोबारा पिछली वाली करते हैं. मैम ये बात दोबारा बता दें, ये मीकोनाजोल वाली और वॉरफिन वाली बात. ये बात ये थी कि वॉरफिन जो है ना उसका साइड इफेक्ट ही होता है कि वो हेमरेजेस ब्रूजेस करती है. हेमरेज यानी ब्लीडिंग अगर कहीं हो रही है, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो वॉरफिन ले रहा है और वो चोट लग गया है, ब्लीडिंग हो गई, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, ये ब्लीडिंग को ज्यादा करता है वॉरफिन, ठीक है. आपने कभी देखे कोई एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, अब वो ब्लड प्रेशर लोप्रीन, लोप्रीन बहुत ज्यादा साथ दी जाती है. वजह क्या होती है, ताकि ब्लड क्लॉट ना बने नालियों के अंदर, खून की नालियों में. तो जब कोई पेशेंट ऐसा होगा जिसको चोट लगती है, उसके घुटने पर कोई चोट आ गई है, तो उनमें बहुत जल्दी ब्रूजेस बन जाते हैं. ब्रूजेस क्या होता है कि स्किन के अंदर ही ब्लीडिंग हो रही है और वो हमें नीली नजर आ रही होती है स्किन, ठीक है, ब्लू नजर आ रही होती है, तो फौरन उसकी लोप्रीन बंद कर देनी चाहिए, वरना ब्लीडिंग और ज्यादा ब्रूजेस बनते जाएंगे. इसी तरह वॉरफिन भी वही है कि ब्लीडिंग को इनहेंस करती है, और अगर इसको मीकोनाजोल के साथ देंगे तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और ज्यादा हो जाएगी. तो हमें जब अगर दोनों डोजेस इकट्ठी देनी पड़ती है, तो अब हमें डोज मैनेजमेंट करनी है, यानी मीकोनाजोल दे रहे हैं तो वॉरफिन की डोज को कम कर दें ताकि इतनी ज्यादा वो ब्लीडिंग ना करे. फिर जब हमने मीकोनाजोल का कोर्स पूरा कर लिया, तो फिर वॉरफिन की दोबारा डोज को रीटाइट्रेट करेंगे, कंसीडर करेंगे, और उसको फिर नॉर्मल देख सकते हैं कि भाई अब हमने मीकोनाजोल बंद कर दिए, तो दोबारा पेशेंट की दोबारा से इसको डोज को वही कर दें पिछली वाली, उसको दोबारा कंसीडर करेंगे. समझ आई है? यस मैम आ गई है. इसी तरह लोप्रीन का भी होता है कि पेशेंट को फौरन लोप्रीन अगर दे रहा है, घर में किसी को चोट लग गया है, वो गिर गया है, कोई ब्लीड, उसका उनका ब्लड बहुत तेजी से, क्योंकि खून पतला हो चुका होता है लोप्रीन स्क्रीन इनसे खाकर. लोप्रीन का फायदा ये कि वो क्लॉट नहीं बनने देती ब्लड वेसल्स के अंदर. अच्छा द पोटेंशियल सेवेरिटी ऑफ सम इंट्रैक्शन रिक्वायर इमीडिएट सीजेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन.
पब्लिकेशन इतना बुरा हुआ कि ड्रग के इफेक्ट अब पेशेंट को जो है, ज़ाहिर है पेशेंट जो है उसकी एज पर भी डिपेंड कर रहा है, उसकी जो बहुत सारी चीज़ों पर जेनेटिक फैक्टर भी हमने कहा थे इन्वॉल्व हैं। तो अगर कोई कम्बिनेशन बहुत बुरा है पेशेंट के लिए तो उसे फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। द कम्बिनेशन ऑफ रेथ्रोमाइसिन एंड टर्फेनाडीन कैन प्रोड्यूस हाई टर्फेनाडीन लेवल विद द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टॉर्सेट्स डी पॉइंटीज। ये टॉर्सेट डी पॉइंटीज किसी को याद है क्या? ये ये आप लोगों ने पढ़ा था एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स के अंदर। टॉर्सेट डी पॉइंटीज ये होता है कि अगर हमें बेसिकली टॉर्सेट डी पॉइंटीज ये होता है, हमें ईसीजी की वेव देखी होगी, ठीक है, उसमें क्यू वेव बनती है, पी वेव बनती है, पी वेव वो क्यों बनती है ईसीजी? शाबाश, वो ये कि हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। अब हार्ट में ऊपर क्या है, एट्रिया, ऊपर दो चैम्बर है एट्रिया, नीचे के चैम्बर है वेंट्रिकल्स, हमारे पास ऐसे नोड है पेसमेकर जो कि आपकी रिदम्स नॉर्मल जनरेट, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस जनरेट होती है, हार्ट बीट चलती है। अब उनको नोट करने के लिए हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं स्किन के ऊपर, जिनमें से एक ग्राफ बनता है जो स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है, उसे हम ईसीजी कह देते हैं। वो ग्राफ जो बन रहा है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है हार्ट बीट के साथ। डीपोलराइजेशन, वो जो सोडियम चैनल्स खुल रहे हैं, सोडियम अंदर आ रहा है, रीपोलराइजेशन हो रही है जो पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है, कैल्शियम भी अंदर आ रहा है। और कैल्शियम से आप याद रखें सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, जहां भी कैल्शियम चाहे मसल्स में अंदर आए, स्केलेटल मसल्स हो, चाहे वो स्मूथ मसल्स हो, चाहे वो हार्ट के मसल्स हो, सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसको देखने के लिए हार्ट बीट्स क्योंकि एबनॉर्मल हो गई है, एरिदमियाज हो गए हैं, ठीक है, एंटी एरिदमिक ड्रग्स देने के लिए हम देखते हैं उनको, नोट करते हैं हार्ट बीट्स को ईसीजी के थ्रू। तो अब आपने पढ़ा होगा कि उसमें पी वेव बनती है जो कि आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को बताती है, क्यू आर एस इंटरवल वेंट्रिकल जब मैं चाहती है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस तो वो बताता है। बाहर जो क्यू आर एस इंटरवल होता है उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, यानी अगर एम्पलीट्यूड हाई था तो अब उसकी हाइट कम हो जाती है। अगर आपने वेव देखी उस पर एक स्पाइक सी बन रही होती है, वो स्पाइक नीचे आ जाती है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वेंट्रिकल टैकीकार्डिया हो जाता है, तेज हार्ट बीट चलेंगी तो जल्दी 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 ईसीजी पर वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो उसको कहते हैं जब क्यूआरएस इंटरवल की पीक जो होती है हाइट कम हो जाए, क्यूआरएस जो वेव बनेगी उसकी, उसको कहते हैं टॉर्सेट डी पॉइंटीज। ये जो है जो कम्बिनेशन हम दे रहे हैं ड्रग्स का, उसमें एरिथ्रोमाइसिन ड्रग है और उसके साथ हम टेफेनाडीन दे रहे हैं, दोनों ड्रग्स जब दे रहे हैं तो क्या होगी, वो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा क्यूआरएस, ईसीजी एबनॉर्मल आना शुरू हो जाएगी, टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स के अंदर टैकीकार्डिया शुरू हो जाएगा। ये किसी को समझ आई है बात? आखिरी स्लाइड है, अगर ये किसी को बात नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ ले। रिस्पॉन्स तो दे के समझ आई है या नहीं समझ आई? मैम आ गई है समझ। यानी क्यू आर एस वेव, अगर ईसीजी आप गूगल आउट करें, क्योंकि मैं अभी यहाँ आपको बता नहीं सकती, अगर फेस टू फेस होते तो वो पूरे बना के बता देती। तो क्यू आर एस इंटरवल जो होता है ईसीजी के अंदर, उसका एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, टैकीकार्डिया शुरू हो जाता है। तो उसमें ये ड्रग जो है दोनों बंद कर देनी चाहिए, कम्बिनेशन में नहीं देनी चाहिए, कुछ पेशेंट में ये इफेक्ट होता है। डोज स्पेसिंग इज अप्रोप्रिएट। डोज स्पेसिंग होता है कि एक डोज एक ड्रग दी है उसकी डोज दूसरी ड्रग, उनके दरमियान टाइम होना चाहिए, प्रॉपर डोज देनी चाहिए, ठीक है। इज अप्रोप्रिएट फॉर इंट्रैक्शन इन्वॉल्विंग द इनहिबिशन ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द जीआई ट्रैक, ठीक है। जो जब दो ड्रग्स दे दी, एक ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ब्लड में नहीं जा रही, दूसरी ड्रग को होने नहीं दे रही, तो हमें डोज को मैनेज करना है, ठीक है, डोज को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है, ताकि एक पहले दे दे सरा और एक बाद में दे दे। फॉर एग्जाम्पल अवॉइडिंग द बाइंडिंग ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन बाय फेरस सॉल्ट्स, अगर फेरस सॉल्ट्स के साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे तो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इसलिए इनको ख्याल रखना है।
डोज मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। अगर आपके घर में भी कोई पेशेंट है और वो इंसुलिन सुबह लगाता है और उसे कहा गया कि अब आपने अगले दिन लगानी है, तो उसे चाहिए कि वो टाइम मैनेजमेंट करे, ठीक है। अगर उसने सुबह नाश्ते से पहले लगानी है तो नाश्ते से पहले ही लगाए, अगर नाश्ते के बाद भी जिनको कही गई है तो नाश्ते के फौरन बाद जितनी देर बाद का है, कुछ लोगों को कहते हैं आधे घंटे, क्योंकि डिपेंड करता है, कुछ मिल्की इंसुलिन होती हैं, कुछ डिफरेंट इंसुलिन होती हैं एज पर और बहुत सारे फैक्टर्स पर, तो ये चीज़ फिजिशियन डिसाइड करता है, लोग ख्याल नहीं रखते। अगर आज 11 बजे लगी है जी, टाइम नहीं था या उठे देर से, नाश्ता कर चुके थे और कल फिर वो जाकर जो है सुबह सुबह लगा लेंगे, तो ज़ाहिर है टाइम ड्यूरेशन उससे मैनेज नहीं होता, ठीक नहीं रहता। कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम ये पैसिव टेबुलर रीअब्सॉर्प्शन और एक्टिव टेबुलर रीअब्सॉर्प्शन दोबारा बता दें सिर्फ डेफिनेशंस। अच्छा, पैसिव डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद हो, एक थी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक थी पैसिव डिफ्यूजन। अगर सेल्स को देखें, जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और आराम से इनसाइड आ जाएगा, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन लो होगी उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन होगी। एक्टिव डिफ्यूजन होगी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एनर्जी चाहिए होगी उसमें, ऑपोजिट साइड पर चला जाएगा। समझ आई है इसकी? हाँ, डिफ्यूजन की डेफिनेशन, एक्टिव पैसिव, ये बेसिक चीजें ये आप देख लीजिएगा एक दफा। एक ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन होती है जिसमें एटीपी चाहिए होगा, ये शुरू शुरू वाले लेक्चर्स हैं ये, जो आपने अगर फार्माकोकाइनेटिक्स डायनेमिक्स जब शुरू किए थे उसके अंदर। पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं चाहिए होगी, आराम से खुद ही चला जाएगा दूसरी तरफ। क्योंकि जब मैंने आपको वो पढ़ाया था ना, कीमोथेरेपी एंटीबायोटिक्स पढ़ाई थी, तो वो सर ने ना तीन लेक्चर्स में सारी कवर की हुई थी, लेकिन मैंने उनको थोड़ा छोटा कर दिया और पिक्चर्स कुछ उसमें डाल दी थी, कुछ टेबल्स डाल दिए थे ताकि जरा आसान हो जाए। अब मुझे एक आज याद आया कि आपके तो नेमो वो मैंने आपको पढ़ा था, निमोनिक्स में आपको दूंगी याद रखने के लिए, आज मैं जाकर वो उस पर आपको डाल दूंगी, एलएमएस पर वो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। वो उसी लेक्चर्स के साथ होगा, रिकॉर्डिंग्स तो नहीं होंगी उसकी, लेकिन निमोनिक्स का ये फायदा होता है कार्टून से बने होते हैं याद रखने के लिए, कौन सी ड्रग है, उसका क्या मैकेनिज्म है, आपने जो बस याद रखना है मैकेनिज्म, एडवर्स इफेक्ट्स, यूजेस उनके, ठीक है। और यस मैम, वाइवा का सिलेबस जरा दोबारा बता दें। वाइवा के अंदर जो है आपका 16-17 को होगा वाइवा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका एक टेस्ट होगा जिसमें एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल, एंटी वायरल ड्रग्स होगी। जो वाइवा के अंदर सिलेबस आएगा उसमें आपका लेक्चर 15 है, 15B, क्योंकि उस दिन आपने एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स भी आधी पढ़ी थी, वो नहीं आएंगी वाइवा के अंदर। वाइवा के अंदर इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक्स आएगा, उसके बाद वो सारी ड्रग्स हैं 16, 17, 18 और आई थिंक 19 मैक्रोलाइड्स का लेक्चर है वहां तक, और ये ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन और एंटी कैंसर ड्रग्स भी शामिल करें, क्योंकि अगर आपने नहीं शामिल करी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। मैम, इस लेक्चर से पहले पहले तक ना, जो लेक्चर 19 तक, लेक्चर 19 तक तब था अगर आपका वाइवा जल्दी हो जाता, अब अगर 16-17 को वाइवा होगा तो प्लीज ये दो लेक्चर भी शामिल कर लें, ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन। मैम ऐसे ना करें ना, मैम नहीं ऐसे ना करें ना, ये लेक्चर 19 आप लोग खुद सोचें कि आप लोग का बिल्कुल उसके बाद फिर एग्जाम होगा। मैम क्योंकि ये वाले लेक्चर बिल्कुल भी ना पढ़े, जो पिछले लेक्चर्स उनको फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आप ये वाला 19 को पढ़ लें। चलिए एंटी कैंसर वाला आप एंटी फंगल के साथ दे दीजिएगा, लेकिन ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन करें, तो आप लोग इतना थोड़ा थोड़ा करते हो, आपने पहला शुरू वाला भी रिवाइज नहीं किया, जो पहले शुरू में वो आपको दी थी ड्रग्स, वो सारी थायराइड की एंटी थायराइड ड्रग्स और वो सब कौन रिवाइज करेगा, इतनी ज्यादा करती है तो इसमें रहने दें।
में फिर देख कितने होंगे। अच्छा मैं ना, आप लोग ऐसा करें, अभी आप इनको शामिल समझें, ठीक है, बाकी कीमोथेरेपी पढ़ना शुरू करें, इनको आखिर के लिए रखते हैं। अगर तो अफनान से मैं पूछूंगी आज, अगर उन्होंने कहा कि जी 23 से पेपर नहीं हो रहे, तो फिर आप इनको बेशक ना शामिल कीजिएगा, उन टेस्ट में शामिल कर लें क्विज में। अगर पेपर ये एग्जाम हो रहे हुए तो फिर आप इनको शामिल कर लें साथ। मैम वैसे हमारे फाइनल इतनी जल्दी नहीं होते वाइवा के बाद, क्योंकि ये लोग हमेशा हमें लेट करते होते हैं। कैलेंडर में 23 डेट दी हुई है इन्होंने। ये तो इतना आसान लेक्चर है, इसमें क्या मुश्किल है? ये देखिए ये बैठे हुए आसान है मैम, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ना है ना, जो पिछले लेक्चर उनको फिर भी हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो ये वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ आकर बैठ के पढ़ते हैं ना, वो मुझे कहते हैं कि हमें सब समझ आ रही है, जो ऑनलाइन होते हैं कुछ समझ नहीं आ रही होती, फिर बंदा बोल रहा है टोन में बोले जा रहा है, सुनना मुश्किल हो जाता है। फेस टू फेस में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको स्लाइड्स आपको नहीं समझ आ रही आप पूछ सकते हैं या मैं पूछ सकती हूँ, उसमें थोड़ा बंदा एक्टिव रहता है कि मेरा सुनना नहीं है। अब ये ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन इज वेरी इजी लेक्चर, इसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनाइजिंग इफेक्ट, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये चीजें आपने पहले पढ़ी थी, और सारा आप सिर्फ ये रिकॉर्डिंग सुन लें, आपका लेक्चर तैयार है। आप रिकॉर्डिंग्स वाइवा के लिए सुना करें, वाइवा के लिए आप रिकॉर्डिंग सुन लें, गूगल पर सर्च कर लें, वीडियोज देख लें, उससे आपको याद रहेगा कि ये चीज है। अगर मैम हम ये फाइनल में, मैम हमने फाइनल में करना तो है, उसमें कर लेंगे आप, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर तक रख लेना, मतलब ये वाला लेक्चर ना इंक्लूड करें। चलो अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगी, अगर हो सका तो फिर कर लीजिएगा यहाँ तक। चले एंटी कैंसर ड्रग्स छोड़ दें, ये तो कर लें आप, बहुत आसान है ये भाई। आपको क्या याद रखना है, आपको पहले भी टेट्रासाइक्लिन आप खोलेंगे ना, आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये लिखा हुआ है कि टेट्रासाइक्लिन को जो है वो फेरस सल्फेट के साथ नहीं देना, वो आपको पता है चिलेट्स ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन होगी। फिर आपको पता है कि एरिथ्रोमाइसिन को नहीं देना, किसके साथ नहीं देना, आपने वो देख लेना है बस, क्योंकि आपने हर चीज में बताना है कि ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन होगी। कुछ ड्रग्स होती हैं उनको फूड के साथ नहीं देते, एंटीबायोटिक्स वगैरह या एक घंटा पहले देते हैं या बाद में देते हैं, क्यों? क्योंकि ड्रग टू फूड इंट्रैक्शन होगी। आसान चीजें हैं ये सारी, और 20 स्लाइड्स 22 स्लाइड्स हैं ये, 20 हैं टोटल, दो में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिखा हुआ है। आज ही पढ़ लें इसको, यहाँ तक शामिल है आपका कोर्स, लेकिन अगर आपका जो है वो डिले हुआ तो देखिए ये लेक्चर्स बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, जो आपने पहले मिड टर्म में भी बहुत थोड़ा कोर्स था, अब कम से कम आप इतना तो करें कि आपकी रिवीजन हो जाए, उस दिन आपको बर्डन बहुत पड़ जाएगा आपके ऊपर। यहाँ तक चलें शामिल कर लें, ठीक है, आपका 15 लेक्चर, क्योंकि 15-16 में वो चीज़ें इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक्स, जी एंटीबायोटिक कब देनी चाहिए कब नहीं देनी चाहिए, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती है? मैम बैक्टीरियोस्टैटिक वो होता है जो बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट। शाबाश। और स्टैटिक से याद करें, स्टेसिस होता है जमा करना, किसी चीज को रोक देना वहीं पर, स्टैटिक कर देगा वो और सीधा होगा जब उसको फील कर देगा, ये चीज आपको पता चल गया। अब इंट्रोडक्शन में तो कुछ भी नहीं एंटीबायोटिक से, उसमें कोई खास मुझे नहीं लगता कोई पूछने वाली चीज है, उसको तो आप रफली से पढ़ लें कि भाई उसमें यही था कि कल्चर बनाना चाहिए, कल्चर से हमें पता चलेगा कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है डिजीज के अंदर। कभी कभी होता है कल्चर देर से बनता है, टाइम बहुत लेता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का कल्चर अगर लैब टेस्ट करवाते हैं कई कई दिन लग जाते हैं, और फिर हमारी जो लैब है उनके अंदर इतना बंच के अंदर बैच पूरा लगता है, तो वो वेट करते हैं और जरा आधे टेस्ट फिर इकट्ठे लगाएंगे। जैसे ये अगर आपने थायराइड टेस्ट करवाना होता है तो वो एक दिन में नहीं आ जाते रिजल्ट, वो बैच में लगाते हैं, क्योंकि इतना खर्चा बहुत आता है लैब वालों का। तो आपको ये बात छोटी छोटी बातें आपको पता है, ये बातें बस आप एक दफा गो थ्रू करोगे, ये वाइवा की नहीं बातें जो मैम हमारे नंबर 15 16 17 18 19 और ये आज वाला लेक्चर में 20 मैम 6 चैप्टर्स है। 15 आपका ऐसा खास नहीं है पढ़ने वाला, 16 17 18 19 20 पांच लेक्चर हैं जो आपने अच्छी तरह से पढ़े। ये ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन में भी आपको एंटासिड्स का भी पता है कि वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वगैरह, अब आपने देख लेना कि उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ नहीं देना, हो सकते हैं आपकी स्लाइड्स में लिखा हुआ भी हो सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन, ज्यादा नहीं है
अगर आप लोग कहेंगे तो अगली दफा जो हफ्ता हफ्ते को लेक्चर पूरा हो जाएगा, हफ्ते को लेक्चर पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो एक दफा वो कर लेंगे आज ये टू है आपको ठीक है आपने क्या बात कर दी है खत्म हो गया पढ़ वो आपने अब देखे सबके क्लैश आ रहे हैं मैं क्या कौन सी डेट रखूं आप लोग मुझे ऐसा करें मैम 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 बात सुने मैम आप ना जिनका क्लैश आ रहा है ना क्लैश 16-17 को ना मेजोरिटी का क्लैश नहीं है कुछ बच्चों का क्लैश जिनका क्लैश आप उनको जो है मुहर्रम के बाद वाली डेट देते हैं उनका बाद में भी तो बच्चे बच नहीं है ना उनको ये ना हो कि मुहर्रम कौन सी का बन रहा मैम उनका आप मैम उनका आप आखिरी में ले लेना जिनका क्लैश पड़ना वो आखिरी में क्लैश आ रहा है क्लैश आ रहा है या तो वो पहले दे दें या बाद में दे दें या जब वो फारिग हो 20 के बाद मैंने फिर वाइवा नहीं लेना 20th आखिरी डेट है उसके बाद वाइवा नहीं होगा क्योंकि फिर मुझे तो मार्क्स अपलोड करने हैं पिछले मैं असाइनमेंट सब तक बैठी हूँ वो चेक हो रही है आपने अभी असाइनमेंट नहीं किया आप चेक कर आज दो दिन में दे दो ताकि फिर आपके मार्क्स भी बच्चे हाँ एक लिस्ट बनाया आप लोग सब मिलके वो मैंने पता नहीं किसी और ग्रुप में भी कर सब लोग मिलके ठीक है व्हाट्सएप पर जहाँ भी अपने डिस्कस कर रहे हैं कोई स्टूडेंट रह ना जाए अपनी एक लिस्ट बना लें हम इस दिन आकर वाइवा दे देंगे और बाकी सब पहले देंगे ये नहीं होगा कि वो भी कहें हम भी उसी दिन यही मैं कहता था कि एविडेंस के साथ देंगे किसी दूसरे टीचर का इसका क्लैश उसकी ईमेल हां उसकी ईमेल या जो भी आप लोग हैं फिर सारे स्टूडेंट क्योंकि अब 16-17 वो आप लोग कितने स्टूडेंट्स हैं आप तकरीबन ई बैच के 97-96 स्टूडेंट्स हैं और डी बैच के जो 75-76 वो भी हैं तो फिर इतने सारे स्टूडेंट्स के 3-4 दिन लग जाते हैं वाइवा लेने में ठीक है और क्वेश्चन जो हमें बहुत छोटे हैं पेंसिलिन का मैकेनिज्म सिर्फ है ना स्कोरिंग का मैकेनिज्म पेंसिलिन की क्या वजह कि पेंसिलिन नहीं खाते मैंने आपको बताया था पेंसिलिन फोर आर्म पर लगाते हैं क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी दोनों देती है सिफेलोस्पोरिन भी पेंसिलिन भी यहाँ पर उसको लगा देते हैं लगा के पहले चेक करते हैं पेंसिलिन को हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है उससे बॉडी का रिएक्ट कर जाती है फॉरेन सब्सटेंस अगेंस्ट उसके एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है बहरहाल आप लोग जो है उसे स्लाइड ही पढ़ने बहुत है और बहुत अच्छी तरह से पढ़े उसको अगर उसमें कोई मैम आपने लिस्ट कौन सी वाली बनाने को कहा है स्टूडेंट्स को जिनका कोई और जो 20 को देना चाह रहे हैं ठीक है जिनका कोई फ्लैश आ रहा है ये नहीं कि सब भी 20 को देंगे बाकी सब 16-17 को देंगे वो मुझे नाम दे दे आप लोग गूगल पर अच्छी तरह कोई स्टूडेंट रह ना जाए मैम वैसे दो दिन में कहते जो है ना कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 97 स्टूडेंट्स का अगर दो दिन में हो रहा है क्योंकि देखें रेडियोलॉजी की क्लास में मैम 100+ बच्चे हैं तो मैम ने सिर्फ 2 डेज रखे हुए हैं तो वो 2 डेज में ही उनका कंप्लीट हो जाएगा जो शाम वाले डी बैच के हैं वो भी हैं 150+ है स्टूडेंट्स 17-16-17 आप लोग पहले ही दे देते 16-17 चले ठीक है मैं ना छुट्टियां भी लेनी है क्योंकि मेरी छुट्टियां जाया हो जाएंगी मैम 16-17 के बाद 20 है 16-17 के बाद मैं हर में 18-19 को जॉब में शुरू है सर 20 आ है उसके बाद कंफर्म कर ले वो 9th और 10th मुहर्रम भी कंफर्म कर ले ये ना अगर 20 को 9th 10th बना तो मैं पहले लूंगी यानी कि आपने पहले अब देख नहीं मैम कैलेंडर पे देख मैम मैंने कैलेंडर पे देखा है 18-19 ही आ रहा है शुरू अच्छा चलो ठीक है जी अगर कोई हुआ ना कि पब्लिक हॉलीडेज आगे पीछे हुई तो आपका उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वाइवा भी आगे पीछे होगा फिर कोई ना कह के मेरा जो है वो उस दिन था तो आज क्यों हो रहा है ठीक है वैसे 16-17 अब मैंने रखा है और ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन तक आएगा कोर्स एक लेक्चर और शामिल किया है और ये पढ़ के अच्छी तरह से दीजिएगा ओके मैम थैंक यू जी अल्लाह हाफिज